दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस सिक्स के बारे में। वन प्लस सिक्स तो अभी आया भी नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, वन प्लस सिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई है, जैसे कि वन प्लस अपने हर डिवाइस के साथ करता ही है। और मोस्टली हम कंज्यूमर्स का भी काफ़ी ध्यान रहता है कि वन प्लस का नया डिवाइस कब आने वाला है। और वन प्लस का ऑलमोस्ट जो कि हिस्ट्री रही है अभी कुछ टाइम से, तो हर 6 महीने में अपना नया एक फ्लैगशिप डिवाइस इंट्रोड्यूस कर देते हैं मार्केट में। तो अभी वन प्लस 5T आया रिसेंटली, और वन प्लस सिक्स का जो ऑफिशियल रूमर्स है वो ये कहते हैं कि जून में फ़ोन आ जाएगा, क्योंकि वन प्लस 5 भी जून में हमें देखने को मिला था, जबकि वन प्लस 3T जनवरी या दिसंबर में लॉन्च हुआ था। लेकिन इस बार वन प्लस सिक्स जो है होपफुली मार्च में हमें देखने को मिल जाएगा, मार्च में यानी कि 2 महीने पहले। तो जो फोन की डिजाइन है वो डिजाइन में काफी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोअर बेजल है, अगर आप वन प्लस फाइव टी की बात करें तो 5T में आपको जो बेजल है ऊपर और नीचे देखने को मिल जाता है, जो स्क्रीन है वो 18:9 की दी गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो वन प्लस सिक्स है उसमें नीचे का शायद आपको देखने को ना मिले, और कुछ कुछ आईफोन 10 जैसी डिजाइन देखने को मिल सकती है। अब बात करूं मैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस की, तो स्पेसिफिकेशंस में आपको यहाँ पे जैसे कि वन प्लस हमेशा करता है एकदम टॉप नॉट स्पेसिफिकेशंस देता है, तो कुछ उसी तरीके से आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 845 जो कि लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होने वाला है वही आपको डिवाइस में देखने को मिलेगा। साथ में जो रैम का कॉम्बिनेशन है वो आपको देखने को मिलेगा 8 GB रैम और 6 GB रैम का। 10 GB रैम या 12 GB रैम आएगी या नहीं आएगी उसका अभी कह नहीं सकते, इतने पुख्ता सबूत नहीं है कि 10 GB रैम या 12 GB रैम आ ही जाएगी, पर 6 GB और 8 GB रैम डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगी। अब जो स्टोरेज वेरिएंट्स हैं वो होंगे एक 64 GB वाला, एक 128 GB वाला और एक 256 GB वाला भी हो सकता है, जो कि एक प्रीमियम वर्जन होगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि 64 GB वाले को एलिमिनेट कर दें, उसको ना रखें, बल्कि सिर्फ दो ही वेरिएंट्स रखें, एक 128 GB और एक 256 GB, क्योंकि 64 GB अब थोड़ा कम है अगर आप बात करें 2018 के फ्लैगशिप फोन के लिए, और वन प्लस तो हर चीज़ टॉप पर रखती है, तो 64 GB एलिमिनेट कर देना चाहिए, बट शायद हमें देखने को फिर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब फिंगरप्रिंट स्कैनर की। जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो कई लीक्स और रूमर्स ये कहते हैं कि फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलेगा आगे की तरफ देखने को मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा आगे की तरफ? आपको स्क्रीन में ही देखने को मिलेगा, तो मतलब अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला हो सकता है ये फर्स्ट डिवाइस हो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वीवो के पास ये टेक्नोलॉजी, और वीवो के पास टेस्ट कर रही है फोन्स, अभी ये टेक्नोलॉजी उतनी मेच्योर नहीं है कि फोन्स में आ जाए, बट जैसे कि आप लोगों को पता है कि वीवो, ओप्पो और वन प्लस इनकी एक ही पेरेंट कंपनी है जो कि है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हो सकता है ये वीवो के साथ कुछ इनका कॉन्ट्रैक्ट हो और ये टेक्नोलॉजी है वन प्लस सिक्स में लेकर आ जाए, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आपको वन प्लस सिक्स में अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। आपको सेंसर पीछे की तरफ ही देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको वन प्लस 5T में देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जो फेस अनलॉक है वो और ज़्यादा आपको फास्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि 5T में ही बहुत फास्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब आप अंधेरे में कहीं जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो शायद वो जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी वन प्लस सिक्स के साथ, और वन प्लस सिक्स का जो डिज़ाइन है वो और ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया पीछे की तरफ शायद आपको ग्लास बैक देखने को मिल सकती है, क्योंकि हो सकता है वन प्लस सिक्स में आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाए। इसी के साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले क्वालिटी की, तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं कहूंगा कि 2K पैनल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वन प्लस वन से ही फुल HD डिस्प्ले पैनल्स यूज कर रहा है। इवन 5T में भी फुल HD प्लस पैनल ही यूज करा गया है, तो 4K पैनल 2K पैनल वाले अभी तक एक भी फोन नहीं आए वन प्लस की तरफ से। तो हो सकता है कि वन प्लस इस बार 2K डिस्प्ले की तरफ मूव करे, और मैं पर्सनली यही चाहूंगा कि 2K डिस्प्ले की तरफ मूव करे, क्योंकि LG हो गया, सैमसंग हो गया, ये सब अपने फ्लैगशिप डिवाइसेस 2K डिस्प्ले के साथ लॉन्च करते हैं। लेकिन वो बात भी माननी पड़ेगी कि इनका फ्लैगशिप फोन का प्राइस और वन प्लस फोन के फ्लैगशिप फोन का प्राइस काफ़ी लो होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है उसमें। लेकिन फिर भी यहाँ पे अब टाइम आ गया है कि वन प्लस जो डिस्प्ले क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करे और 2K डिस्प्ले यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे वन प्लस सिक्स के साथ। बट देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है, बट रूमर्स कुछ कहते हैं कि हो जाएगा, कुछ कहते हैं नहीं होगा, तो वो तो हमें जब फोन लॉन्च होगा तभी पता चल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइसिंग की, जो प्राइसिंग एक मेन फैक्टर होने वाला है। तो प्राइसिंग का क्या है, प्राइसिंग आपको यहां पे बढ़ने वाली है, डेफिनेटली बढ़ने वाली है, क्योंकि वन प्लस 5T में इन्होंने कोई प्राइसिंग नहीं बढ़ाई थी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये वन प्लस 6 का वेट कर रहे थे कि वन प्लस 6 में अपनी प्राइसिंग बढ़ाएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि वन प्लस 6 में कितनी प्राइसिंग बढ़ेगी। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है अभी जो वेरियंट मिल रहा है वन प्लस 5T का, जो कि एक अपर वेरियंट है, जो कि है 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला, जो कि मिल रहा है आपको 38,000 रुपीज का, तो मेरे हिसाब से जो वन प्लस 6 होगा उसका लोअर वेरियंट आपको 38,000
थाउजेंड रुपीज के आसपास का मिलेगा, और जो हायर वेरियंट होगा 8 GB रैम या 256 GB स्टोरेज के साथ, वो आपको तकरीबन 42 या 43 थाउजेंड रुपीज का मिलेगा। तो जी हाँ, इस बार जो प्राइस है वो 40,000 के ऊपर जाने वाली है, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, क्योंकि जब वन प्लस ने स्टार्ट करा था वन प्लस वन के साथ तो ऑलमोस्ट 21,000 रुपीज से स्टार्ट करा था, और अब 42,000 रुपीज पे पहुंचने वाली है। तो वन प्लस भी धीरे 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 प्रीमियम लेगेसी की तरफ बढ़ रही है, और अब बजट में नहीं आता, 40,000 रुपए तो खर्च करने ही पड़ते हैं, एक अच्छा वन प्लस फोन चाहिए। तो दोस्तों यही है, क्योंकि जब आईफोन 1 लाख रुपए पे पहुंच सकता है तो वन प्लस को भी हक है कि वो 40,000 तो पहुंच ही सकता है। दोस्तों यही थे वन प्लस 6 के कुछ लीक्स और र्यूमर्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि आप और किस फोन के बारे में जानना चाहते हैं जो आने वाला है, आ चुका है, या फिर किसी फोन का रिव्यू देखना है, या फिर आप चाहते हैं मैं किसी प्रोडक्ट को कवर करूं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना। दोस्तों मेरा नाम है प्रिंस, मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में।